चलो, सो हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं सुमन कुमार फिर से स्वागत करता हूँ आपको हमारा यूट्यूब चैनल अभ्यास एजुकेशन में। और जैसा कि आप जान रहे हैं, थंबनेल से आपको मालूम चला होगा कि ये जो वीडियो चल रहा है 12.2 का है, और हम लोग इसमें क्वेश्चन नंबर डिस्कस करने वाले हैं 8 से, ठीक है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 7 से। तो सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। तो 8 नंबर का जो सवाल है, यहाँ पर हम डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं, हम एक बार पढ़ लेते हैं। सवाल आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, 15 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास का मैदान है। तो ये देखिए, 15 सेंटीमीटर भुजा वाला कोई वर्गाकार घास का मैदान है। आप NCERT बुक में जाके देखिएगा तो वहाँ भी आपको ये सेम क्वेश्चन मिलेंगे। फिर बोलता है, घास के मैदान के एक कोने पर लगे खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया। यहाँ पर इसका एक कोना से एक घोड़ा को क्या किया, 5 मीटर लंबा रस्सी से उसको क्या कर दिया, बांध दिया है, ठीक है ना। तो बोल रहा है सवाल आगे, ज्ञात कीजिए, एक नंबर, मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहाँ घोड़ा घास चर सकता है। तो मान लेते हैं ये 5 मीटर है, तो घोड़ा घास कहाँ तक चरेगा, ये ज़्यादा से ज़्यादा इधर 5 मीटर, इधर 5 मीटर, तो ये कुल मिला के कुल यही एरिया में घास चरेगा। तो यदि हम जान रहे हैं, ये यदि हम एक वृत्त का पूरा भाग लेते, तो ये वृत्त के लिए क्या है, त्रिज्या कहलाएगा, भी त्रिज्या कहलाएगा, है कि नहीं। इसलिए यदि एक वृत्त बनता है तो त्रिज्या कहलाएगा। तो त्रिज्या के कारण यदि कोई वृत्त का टुकड़ा आता तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, त्रिज्यखंड कहते हैं। अब आप यहाँ पर देखेंगे, चूंकि ये एक वर्ग है, इसलिए यहाँ पर थीटा का जिक्र नहीं किया गया, तो हम लोग दिमाग लगा सकते हैं थोड़ा सा भी, कि थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। अदर पेन दीजिएगा थोड़ा सा। तो घोड़े द्वारा घास चरे जा सकने वाला भाग का क्षेत्रफल जहाँ तक, तो लंबाई पूरा रस्सी का कितना है, 5। जब पूरा लंबाई 5 है, तो हम कह सकते हैं कि त्रिज्या उसका हो जाएगा 5 सेंटीमीटर या 5 मीटर, मीटर में दिया है ना, 5 मीटर हो जाएगा, ठीक है। अब आप देखिए, घोड़े द्वारा चले जा सकने वाला भाग का क्षेत्रफल, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360, ये त्रिज्यखंड है कि नहीं है, त्रिज्या है, इधर भी एक त्रिज्या है एक वृत्त के लिए। जरा आप देख लीजिए, थोड़ा सा हम ड्रॉ कर ही देते हैं ये फिगर को, तो इस तरह लग रहा है। अब आप बताइए, थीटा बटे 360 पाई, इसको थीटा का वैल्यू 90 डिग्री है, 360 हो गया, इंटू पाई का वैल्यू, क्वेश्चन में ऑलरेडी बोल चुका है कि पाई का वैल्यू जो है आपको 3.14 ही पुट करना है, इंटू 5, आर का स्क्वायर, आर मतलब 5 का स्क्वायर हो गया। देन आप यहाँ पे देखेंगे तो 9 से 9 चौके 36, 1/4 हो गया, 3.14 हो जाएगा, एंड 25 हो जाएगा 5 का स्क्वायर। देन फिर से हम जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं 78.5 होता है, देन इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आंसर हमारा आता है 19.625 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर स्क्वायर। ये हमारा एरिया हो जाएगा जहाँ तक घोड़ा घास चर सकता है, ये वाला एरिया। नेक्स्ट अब क्या करते हैं, सेकेंड क्वेश्चन बोल रहा है, यदि ये जो रस्सी है, हाँ, चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि भी ज्ञात करना है। यदि घोड़े की जो रस्सी है लंबाई 5 मीटर से बढ़ाकर 10 मीटर कर दिया जाए। अब जो है, यदि रस्सी की लंबाई को 5 मीटर से बढ़ाकर 10 मीटर कर दिया जाएगा, तो डेफिनेटली आर का वैल्यू जो है वो 10 मीटर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि घोड़ा का अब जो रस्सी का लंबाई है वो क्या कर दिया गया, बढ़ा दिया गया। तो अब देखिए, यहाँ हो जाएगा उसका पूरा वृत्त, तो इसका मतलब हो गया कि घोड़ा अब घास यहाँ तक पूरा चर जाएगा, है ना। अब समझिएगा, तो इसमें यदि हम बात करें आपसे, तो थीटा तो 90 डिग्री ही होगा, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो होगा थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, 90/360 इंटू पाई का वैल्यू 3.14 इंटू 10 इंटू 10, वही वाला जो सवाल उसी तरह का है, एकदम सेम टू सेम। तो 9 चौके 36 हो गया, 4 बार में कट गया 1/4, और यहाँ से 4 को हम 10 से कटा दिए 5 बार में, और 2 बार में 2 से फिर 5 कट गया, है ना। तो हो जाएगा 3.14 इंटू 5 इंटू 5, 5 जाए 25 हो गया, इसको मल्टीप्लाई किया तो 78.5 आया। अब देखिए, तो पहले घोड़ा घास खा रहा था कितना, 19.625, अब खा रहा 78.5, तब अब कितना एक्स्ट्रा घास खा रहा, मतलब जो घोड़ा घास खा रहा है उसका अतिरिक्त कितना है, यानी कि वृद्धि पूछ रहा है। तो वृद्धि पूछ रहा था, हम सबसे बड़ा जो क्षेत्रफल उसमें से छोटा क्षेत्रफल को घटा देते हैं, इसका मतलब मेरा वृद्धि तो इतना ही पार्ट तक ने वृद्धि किया है जितना वो एक्स्ट्रा घास खा रहा, क्योंकि पहले तो इतना खा ही रहा था। तो बड़ा वाला जो त्रिज्यखंड है उसमें छोटा वाला त्रिज्यखंड को घटा, तो इसका वैल्यू तो 78.5, इसका वैल्यू तो 19.625, जब इसको माइनस कर दिए तो ये आ गया आंसर, क्लियर है। चलिए कटा गया, नीचे दिख रहा था। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, एक वृत्ताकार ब्रूच को चांदी के तार से बनाया जाना है जिसका व्यास 35 मिलीमीटर है। तो ब्रूच क्या करते हैं, कोई डिजाइन होगा ऐसा है, चलिए फिगर हम आपको पहले समझाते हैं।
35 मिलीमीटर का व्यास है, सपोज करो ये, तो एक व्यास कितना है 35 मिलीमीटर का, बोलता है इस तरह करके इसमें पांच व्यास है, दो व्यास, तीन व्यास, ये चौथा व्यास, और एक मान लेते हैं ये हो गया पांचवा व्यास, इस तरह करके इसमें कितने व्यास है, पांच व्यास है टोटल, ठीक है। जिसके कारण ये क्या होता है, 10 बराबर बराबर त्रिज्यखंड में बंट जाता है, तो 10 बराबर बराबर त्रिज्यखंड में बंट जाता है, दैट मीन्स कि यहाँ पर हम बात करें यदि, तो ये वाला हो जाएगा एक त्रिज्यखंड, है कि नहीं, उसी तरह करके 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो अच्छा अब आप ये बताइए कि यहाँ पर पूरा 360 डिग्री चारों तरफ होता है, तो एक ठो का कोण कितना होगा, तो 360 बटे 10 कर देंगे, थीटा का वैल्यू निकल जाएगा। चलिए सबसे पहले एक नंबर का सवाल पूछ रहा है, कुल वांछित तार की लंबाई, दैट मीन्स कि इस ब्रूच को बनाने के लिए कितना तार की लंबाई पड़ेगा, चांदी का कितना लंबा तार पड़ेगा। तो सबसे पहले ये चारों साइड जो है यानी कि परिधि में तार लगेगा, हाँ बोलना, फिर इसमें पांच व्यास जो है पांचों व्यास में पांच व्यास लग जाएगा, तो कुल मिला के ब्रूच में हमको इतना चीज का जरूरत पड़ेगा, यानी कि कुल वांछित तार की लंबाई बराबर हम कह सकते हैं 5 गुना व्यास और वृत्त की परिधि, बोलो हाँ या ना। तो 5 गुना 35 प्लस 2 पाई आर, तो 5 गुना जब 35 करेंगे 175, 2 का 2 पाई का मतलब 22/7, 35/2 आर का वैल्यू था, है कि नहीं, क्योंकि व्यास कितना दिया था 35 मिलीमीटर, डी का वैल्यू डायमीटर, तो रेडियस निकालेंगे 35/2 होगा कि नहीं होगा। अब आप देखिए 7 से 7 5 35, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 22 5 110, 175 और 110 को जोड़ेंगे तो 100 285 मिलीमीटर, ये इतना लंबाई हमको तार चाहिए। नेक्स्ट बोलता है प्रत्येक त्रिज्यखंड के लिए, प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो एक त्रिज्यखंड के लिए सबसे पहले मान, प्रत्येक मतलब क्या, एक एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने बोल रहा है, इसका मतलब हम सबसे पहले थीटा का वैल्यू निकालते हैं तब तो त्रिज्यखंड निकलेगा, क्यों, क्योंकि त्रिज्यखंड का फॉर्मूला होता है थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, थीटा बटे 360, तो थीटा का वैल्यू हमको मालूम होना चाहिए, एटलीस्ट सब मालूम है, पाई का वैल्यू मालूम है, आर का वैल्यू मालूम है, लेकिन थीटा का वैल्यू मालूम नहीं है, तो यहाँ पर छोटा सा कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, थीटा का वैल्यू निकालेंगे। जब हम जान रहे हैं कि वृत्त के चारों ओर 360 डिग्री का एंगल बनता है, तो एक ठो के लिए क्या हो जाएगा, तो 360 भागा 10 भाग था, है कि नहीं, 10 से भागा दे दिया तो कितना डिग्री हो गया, 36 डिग्री, क्लियर है, उम्मीद करते समझ गए होंगे आप लोग। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल फलना फॉर्मूला पुट किए, 36 बटे 360, 22/7 आर स्क्वायर, 35/2 का होल स्क्वायर। अब आप देखो 36 से 10 बार में कटा दिए, 22/7 बच गया, 35 का स्क्वायर कर देंगे, 35 गुना 35 गुना 2 गुना 2 नीचे में हो गया डिवाइड बाय, है कि नहीं, 22/7 हो गया, 1/10 हो गया, है कि नहीं। अब हम लोग क्या करते हैं, 7 से 7 5 35, 5 बार में कटा दिए, 5 से कटा रहे हैं 10 को 2 बार में कटा, 2 से 22 कटा रहे हैं कितना बार में, 2 से 22 को 11 बार में कटा दिए। अब आपके पास रह गया 11 और 35, तो जब मल्टीप्लाई करते हैं 385 आएगा, देन नीचे में 2 2 4, दैट इज योर आंसर, क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 10 नंबर, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 इसको इरेज करें, तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 10 जो है कह रहा है कि एक छतरे में 8 ताने हैं, ताने मतलब छाता के अंदर में जो तार लगा होता है उसको ताना कहते हैं ना, जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं, छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मानते हुए इसके 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, तो मान लेते हैं ये जो है एक छाता है, इसमें कितना ताना है 8, तो 1 2 3 4 5 6 7 और इधर मान लेते 8 ताना हुआ, क्लियर है। अब देखिए प्रत्येक ताना के बीच का दूरी एकदम सेम सेम है, ठीक है, तो यहाँ पर बोलिए ये कितना डिग्री एंगल बना रहा है, पूरा 360, तो एक ताना का यदि हम बात करें तो इसको 8 से डिवाइड नहीं कर देंगे, बोला है ना, तो बोल रहा है कि 2 क्रमागत ताना, मान लेते हैं ये और ये तानों के बीच का कितना क्षेत्रफल होगा, ये एरिया हमको चाहिए, तो बोलो ये एक त्रिज्यखंड है कि नहीं है, आप बोलो है कि नहीं है। तो सबसे पहले हमको त्रिज्यखंड निकालने के लिए क्या चाहिए, कंपलसरी है थीटा चाहिए, तो थीटा वो सबसे पहले फाइंड करते हैं, है ना, यहाँ कुल 8 त्रिज्या है, त्रिज्या या ताना जो भी कहिए त्रिज्यखंड है कि नहीं, या त्रिज्या है या त्रिज्य 8 त्रिज्या है कि 16 त्रिज्या है, 1 2 3 4 5, हाँ 8 है, तो त्रिज्या है तो 8 त्रिज्यखंड होगा, इसीलिए थीटा बराबर हम कह सकते हैं 360 बटे
आठ, आठ से आठ चौके 32, 45 डिग्री हो जाएगा, है कि नहीं? 45। अब देखिए, अब दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल बराबर किसका क्षेत्रफल? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। बोलिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? थीटा बटे 360 पाई आर। क्या यहाँ पर पाई का वैल्यू कुछ बोला है? नहीं, तो थीटा बटे थीटा की जगह पर 45 लेते हैं, 360 पाई का जगह पर 22/7, आर के जगह पर कितना लेंगे? आर का वैल्यू दिया है क्या? हाँ दिया ना, 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला, यानी कि यहाँ पर त्रिज्या का वैल्यू दे दिया, कॉमा लेके यहाँ लेते हैं 45 सेंटीमीटर, तो 45 का स्क्वायर हो जाएगा, देन 45/360 इंटू 22/7 इंटू 45 इंटू 45, 7 से कटेगा क्या? चलिए कटाते हैं इसको, 9 से 9 पच्चे 45, 9 चौके 36, 40 बार में, 5 से कितना बार में? 8 बार में, 2 से 2 चौके 8, 2 से कितना बार में? 11 बार में। अब कुछ कटेगा? चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। जब आप 11 गुना 45 गुना 45 मल्टीप्लाई करो, जब आप मल्टीप्लाई करते हैं इसको, तो इसका आंसर आ जाएगा 2275/4728, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड दैट इज योर आंसर। क्लियर है? कोई दिक्कत? मिटा दें इसको, समझ में आ गया ना? चलिए अब हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। हाँ, आंसर यही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर बोल रहा है कि एक कार के दो वाइपर, वाइपर किसको कहते हैं? जो कार के शीशा को साफ करता है उसको वाइपर कहते हैं ना। तो कार में जनरली आप देखे होंगे दो वाइपर, बारिश के दिन में ऐसे ऐसे कर रहा होता है। तो एक कार में दो वाइपर है, दोनों वाइपर आपस में क्या कर रहे हैं? सफाई कर रहा होगा ना, परस्पर आच्छादित नहीं होते। आच्छादित मतलब ये हुआ कि आपस में टच नहीं करता। जब भी कार को शीशा को साफ कर रहा तो वो एक दूसरे को टच नहीं करता। तो प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई दे दिया है 25 सेंटीमीटर। कहने का मतलब, हम यहाँ चलो यदि हम ऐसा बात करें, ये वाइपर होगा तो हम कह सकते हैं कि ऐसा ही क्षेत्र में वो कलर करना चालू करेगा कि नहीं? कलर बोलते हैं, वाइप, वाइप मतलब साफ करना है कि नहीं, करना चालू करेगा। जिसका लंबाई दे दिया कितना जी? 25 सेंटीमीटर। तो ये लंबाई दे दिया, दैट मीन्स कि हम कह सकते हैं एक वृत्त का भाग ही होता, तो इसके लिए वो क्या कहलाएगा? त्रिज्या ना, 25 सेंटीमीटर। और बोलता है कोण जो है उसका 115 डिग्री का कोण है, तो यानी थीटा का वैल्यू हो गया 115 डिग्री। 115 डिग्री कोण तक घूमकर सफाई कर सकता है पत्तियों की प्रत्येक बुहार के साथ, जितना क्षेत्रफल हो जाता है वह ज्ञात कीजिए। यानी क्या बोल रहा है कि ये कितना क्षेत्रफल को बुहार सकता है? क्षेत्रफल हमने पहले भी पढ़ाया था, कोई भी चीज़ को जितना मतलब पूरा कवर करेंगे उसको हम लोग क्या कहते हैं? क्षेत्रफल। तो कार का वाइपर देखो ऐसे ऐसे साफ कर रहा है, इतना भाग पर साफ कर रहा है, तो इसका क्षेत्रफल निकालना है। इसका मतलब वो किसका क्षेत्रफल बोल रहा है? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। सिंपल सी बात है, बोलो हाँ या ना? लिख सकते हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, या आप इसके जगह पर ये भी यूज कर सकते हैं कि कार के प्रत्येक वाइपर द्वारा क्या वाइप किया हुआ या साफ किया हुआ जगह का क्षेत्रफल, वो भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं उसमें। तो हो जाएगा थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू हो जाएगा आपका 115 डिग्री। बहुत बढ़िया, 115 डिग्री बटे 360 इंटू पाई का वैल्यू कुछ नहीं बोला, तो 22/7 इंटू आर का वैल्यू स्क्वायर हो जाएगा। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, 115/360 होगा, 22/7 इंटू 25 गुना 25 होगा। क्लियर है? अब आप यहाँ से देखो, कटेगा क्या? हाँ बिल्कुल कटेगा, 5 से कटाइए, 5 दुनी 10, 5 तीन 15, सही है ना? 5 से कटेगा आपका, 5 सत 35, 5 दुनी 10। अब बताइए और कुछ कटेगा? हाँ, 2 से 11 बार में, और 2 से ये 36 बार में, यानी कि अब आपके सामने है 11 गुना 25 गुना 25 बटे 36 इंटू 7। क्लियर है? इसको मल्टीप्लाई करिए कितना होता है, देखिए जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो, अरे यार ये 23 भी भूल रहे हैं, आगे में 23 भी है यहाँ ऊपर में देख लो। तो मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आता? 158125 है ना, बाय 36 सत्तर कितना आता जी?
442 252 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, यही इसका आंसर। आप डिवाइड भी कर सकते हैं तो भी आंसर है, नहीं तो ये भी आंसर होगा। क्लियर, तो ये था हमारा आंसर। उम्मीद करते समझ में आ गया होगा बात, कोई दिक्कत? सॉरी, ये मल्टीप्लाई करने में हमसे मिस्टेक हो रहा है। तो ये जो होगा 252 सही है। तो यहाँ 158125 बाई 251, ठीक है। ये एक एक वाइपर का क्षेत्रफल है। तो कार का, कार में कितना वाइपर है? दो वाइपर। तो हम कह सकते हैं कि दो वाइपर द्वारा कितना क्षेत्रफल, तो दो गुना त्रिज्यखंड, बोलो है ना। तो ये इस पूरे को कितना मल्टीप्लाई करना होगा? दो से। पूरे कितना मल्टीप्लाई करेंगे? दो से। फिर यहाँ से दो है ना, तो यहाँ भी हमको करना पड़ेगा दो से मल्टीप्लाई। तो इसको भी करेंगे हम लोग दो से मल्टीप्लाई। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। तो दो से इसको कटा दीजिए, दो एकम दो, दो दुनी चार, दो से छक बारह, ये है आंसर। 158125 बाई 126 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड दिस इज योर आंसर। चलो क्या इरेज कर सकते हैं इसको? इजाजत है ना, कोई दिक्कत किसी को? यदि इसमें नोट करने में समस्या आए हैं तो यूट्यूब से आप कल नोट कर लीजिएगा। कल या तो आप थोड़ा देर में ही यूट्यूब में वीडियो आ जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर। आइए 12 नंबर का क्वेश्चन समझते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, जहाजों को समुद्र में जल स्तर के नीचे स्थित चट्टानों की चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 डिग्री कोण वाले त्रिज्यखंड में 16.5 किलोमीटर दूरी तक लाल रंग के प्रकाश को फैलाता है। तो चलो समझते हैं, मान लेते हैं कि यहाँ कोई एक लाइट हाउस, ध्यान देंगे आप लोग, तो यहाँ पर कोई लाइट हाउस, यहाँ से लाइट आ रहा, तो ये समुद्री किनारे में कितना दूर तक लाइट को अपना मतलब फैला रहा? तो बोलता है 16.5 किलोमीटर तक, ठीक है ना। तो ये जो टोटल लेंथ है ये 16.5 यानी 16.5 किलोमीटर ये लेंथ है, क्लियर है। इतना दूर तक अपना रोशनी को, रेड कलर का जो रोशनी है उसको क्या कर रहा है? फैला रहा है, ठीक है, रेड पेन। तो ये जो कलर है हम लोग का वो क्या है? रेड कलर, रोशनी जो समुद्र में जा रहा है। तो यहाँ पर बोलता है कितना डिग्री कोण पर झुका हुआ है? वो 80 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है। तो बोलता है कि उस समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाज को चेतावनी दी जा सके, क्लियर। तो हम लोग चेतावनी दी जा सकने वाले भाग का क्षेत्रफल डायरेक्ट लिखते हैं। तो सबसे पहले आप जान ही गए कि आर बराबर क्या हो गया, 16.5 किलोमीटर है ना, और थीटा बराबर हो गया आपका 80 डिग्री। तो समुद्र में चेतावनी दी जा सकने वाले भाग का क्षेत्रफल, यानी तो आपको उतना ज़्यादा दिक्कत होता लिखने में, तो सिंपल सा लिखिए किसका क्षेत्रफल? त्रिज्यखंड जी, 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा? 80 बटे 360, पाई का वैल्यू 22 बटे 7, सॉरी 3.14। अब देखो कभी भी 3.14 नहीं बोलते हैं, पॉइंट के बाद हमेशा एक एक डिजिट को बोलना होता है, ठीक है। जैसे 3.14, 14 नहीं बोलना इसको, ठीक है। आर स्क्वायर कितना भाई? 16.5 का स्क्वायर, तो हम डायरेक्ट कर दें आप कितना कर दें, 16.5 गुना 16.5। उम्मीद करते हैं बात समझ में आ गया होगा। 8 से ये 0 0 कट गया, अब और कोई बंदा कटने वाला है क्या? दो से कटा दें, 2 4 8, 4 से कटाते हैं ना, 4 2 8, 4 9 36। चलिए अब हम इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं क्या, यानी यहाँ हो गया हमारे पास 2/9 गुना 3.14 गुना 16.5 इंटू 16.5। जब हमें पूरे प्रोसेस को मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरे पास मल्टीप्लाई करने के बाद हम यहाँ ऑलरेडी करके रखे हैं, ये है हमारा मल्टीप्लाई करके जब आप डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 189.97, ये सेंटीमीटर, सॉरी क्या है जी, किलोमीटर, किलोमीटर स्क्वायर, ये होगा आपका आंसर। बात समझ में आया कि नहीं आया? अब आप मल्टीप्लाई तो करने जानते ही होंगे ना, 10th क्लास के आप बच्चे हैं तो मल्टीप्लाई तो कॉमन चीज़ है। उसके बाद फिर आपको किसे डिवाइड करना है, 9 से डिवाइड करना, क्लियर है। चलिए
देखिए क्वेश्चन नंबर 13, एक गोल मेजपोश पर 6 समान डिजाइन बने हुए हैं जैसा कि आकृति में दर्शाई गई है। यदि मेजपोश की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर हो तो 0.35 रुपया है ना प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इन डिजाइनों को बनाने की लागत ज्ञात करें। पाई बराबर बोल दिया 22/7 और रूट 3 का वैल्यू 1.73। तो चलिए हम लोग देखते हैं इस चीज़ को। मेजपोश जानते हैं किसको कहते हैं? किसको कहते हैं? हाँ, मेज के ऊपर जो कपड़ा बिछा हुआ था। बहुत बढ़िया। तो कितना डिजाइन बना हुआ? 6 समान डिजाइन है ना। तो चलिए 6 डिजाइन पर बना लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 समान तो नहीं हो पाए, कोई दिक्कत नहीं, खींच टीन के कर लेते हैं, ठीक है। और ये हो गया आपका डिजाइन, 1, 2, 3 हो गया, 4, 5। वीडियो कट करो सर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर, एक गोल मेजपोश पर 6 समान डिजाइन बना हुआ। ये कोई गोल मेजपोश है जिसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह करके डिजाइन बनाया हुआ। आगे बोल रहा है जैसा कि आकृति में दर्शाएगा, यदि मेजपोश की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर, दैट मीन्स कि त्रिज्या आर का वैल्यू दे दिया 28 सेंटीमीटर, तथा हाँ तो 0.35 रुपया यानी कि 35 पैसा कहलाएगा ये, प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इन डिजाइनों को बनाने की लागत ज्ञात कीजिए। मतलब ये जो डिजाइन है उस डिजाइन को बनाने में खर्चा कितना आया, ये खर्चा ज्ञात करने वाले। त्रिज्या हम लोग का 28 सेंटीमीटर है, क्लियर है। तो सबसे पहले हमको थीटा निकालना पड़ेगा, थीटा फाइंड करना जरूरी है क्योंकि हम लोग को यहाँ पर त्रिज्याखंड नहीं वृत्तखंड चाहिए, कि नहीं, क्या चाहिए? वृत्तखंड। तो यहाँ पर हम एक थीटा का वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ जानते हैं पूरा कितना है, 360। 360 को क्या भाग में बांटना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 6 से इसको डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ से आपको एक त्रिज्याखंड का जो थीटा है वो निकल जाएगा, कितना हो गया, 60 डिग्री। वही तो हमने किया यहाँ पर थीटा का वैल्यू। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल, अच्छा इसमें क्या जो डिजाइन बना हुआ क्या वृत्तखंड है, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6। यदि हम एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल कर उसमें 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो मेरा काम बन जाएगा। तो इसका मतलब 6 वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना, तो 6 गुना वृत्तखंड का क्षेत्रफल पिछला वीडियो में हमने आपको बताया था, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 r² साइन थीटा, है ना। तो वही तो हमने पुट किया है, थीटा का वैल्यू 60 बटे 360, पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर, आर का वैल्यू था 28 का स्क्वायर था, तो 28 गुना 28 हमने डायरेक्ट मल्टीप्लाई करा या मल्टीप्लाई कर दिया, 1/2 हो गया आर स्क्वायर, वही 28 गुना 28 हो जाएगा साइन 60 डिग्री। देन हम क्या करते हैं, 60 से 6 बार में कटा दिए, ये 2 बार में 3 से कट गया, 2 बार में 14 से कट गया, अब 7 का टेबल में 14 2 बार में कट गया है ना, तो हो गया 22 गुना 28 गुना 2 बटे नीचे में हो गया 3, यहाँ पे 2 से 14 बार में 14 28 और साइन 60 डिग्री वैल्यू होता है रूट, साइन 60 डिग्री वैल्यू जो भी बच्चे नहीं जानते वो याद रखेंगे, √3/2। ये चैप्टर 8 का क्वेश्चन है ना। तो पुट कर दिया तो ये हो गया, इसको जब हमने मल्टीप्लाई किया 22 गुना 28 गुना 2 तो 1232 होता है बटे 3 हो गया, माइनस 14 गुना 14 196 होता है, और √3 का जो वैल्यू है वो 1.7, क्लियर है। 1.7 क्वेश्चन ऑलरेडी दे चुका है, ऐसे जनरली जब नहीं दिया रहे तो 1.732 तक होता है, ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ना। जैसे √3 का वैल्यू क्वेश्चन में बोला 1.7 ही लेना है, तो चलिए ले लिया हमने, 6 से बाहर में मल्टीप्लाई तो करते ही जा रहे हैं क्योंकि 6 वृत्तखंड है, बोलो है ना, तो 6 हो गया। अब आप जब हम इसको LCM ले लेते हैं बटे 1 करके 1900, तब इसका मतलब 3 जब LCM हो जाएगा तो 1232 तो हो ही जाएगा। अब 3 जो है ऊपर से मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा, तो 3 गुना 196 गुना 1.7 हो जाएगा, जब इसको पूरा मल्टीप्लाई देखो कर लिए तो ये 999.6 आएगा, इधर 1232 जब इसको हमने सब्ट्रैक्ट करा तो ये 2 बाहर में देखो कैसे, 3 से 3 दुनी 6, 2 बार में कट गया, 2 बाहर में 2 जब इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं 232.4 आता है, जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 464.8 आएगा। अब देखिए ये हो गया मेरा पूरा चारों साइड का जो 6 डिजाइन है, ये 6 डिजाइन का क्षेत्रफल हो गया, एरिया हो गया। देन अब हम लोग बात कर रहे हैं, चूंकि क्वेश्चन ही बोल रहा था कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का जो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर डिजाइन का जो खर्च है वो 0.35 यानी 35 पैसा लग रहा है, 0.35 रुपया कहलाएंगे, है ना।
तो टोटल जो डिज़ाइन है उसको कितना खर्चा आएगा? तो टोटल डिज़ाइन का खर्च हो जाएगा यानी 0.35, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 464.8 से। जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर आता है 162.68। क्लियर है? ये इतना रुपया हमारा डिज़ाइन का खर्चा आया, ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर है? कोई दिक्कत किसी को? नोट नहीं करना है किसी को ना? सब नोट ऑलरेडी कर चुके होंगे। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है उसको हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा क्या है, और ये लास्ट क्वेश्चन होगा मेरे प्यारे बच्चों। यदि आप लोग को ये सारी बातें समझ में आ रही होगी तो अच्छा से तैयारी करिए, और यदि आपको कोई तरह का इशू है कमेंट बॉक्स बिल्कुल फ्री है, आप कमेंट करिए कि आपको कौन सा पार्ट समझ में नहीं आए। और यदि आप लोग कुछ स्पेशल वीडियो चाहते हैं कि कोई अदर टॉपिक या कोई अदर चैप्टर का वीडियो बनाया जाए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि हम और हमारा टीम इस चीज़ पर बढ़िया से प्रिपरेशन कर सकें और आपके लिए वीडियो ला सकें जल्दी से जल्दी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन जो है बहुत ईजी है। बता, निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए। आर त्रिज्या वाले एक वृत्त का त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जिसका कोण पी डिग्री है, यानी कि थीटा का वैल्यू यहाँ पर दे रखा है पी डिग्री है ना, और इसका त्रिज्या दे रखा है आर बराबर दे रखा है कितना जी, बड़की आर दिया है, ध्यान दीजिएगा। तो चार ऑप्शन दिया है, ऑप्शन आपको चार दे रखा है पी बटे 180 2 पाई आर। यहाँ पर हम ऑप्शन लिख देते हैं पी बटे 180 2 पाई आर। दो नंबर ऑप्शन है पी बटे 180 इंटू पाई आर स्क्वायर। तीसरा नंबर का ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंफ्यूज करेगा ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको सबको कंफ्यूज कर सकता है, इसलिए ध्यान देंगे आप लोग 2 पाई आर। और चौथा नंबर का जो ऑप्शन है वो पी बटे 720 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर। अब सवाल बोल रहा था क्या त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, तो बोलिए मेरे प्यारे बच्चों त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का हमने फॉर्मूला बड़ा ही भाव से आपको समझाया था, तो थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा की जगह पर हमने क्या पुट करा, पी बटे 360, पाई की जगह पर पाई रहेगा क्योंकि हमको सब पाई ही ऑप्शन मिल रहा है ना, आर स्क्वायर आर की जगह पर हम लोग क्या कर देते हैं आर, कोई भी ऑप्शन मिल रहा है। देखो आप डायरेक्ट, बहुत सारा बच्चा दिमाग लगाएगा डायरेक्ट आंसर देगा थीटा बटे 360 पाई आर, या फिर डायरेक्ट आंसर देगा चूंकि 360 360 इसी में दिख रहा है ना, सिर्फ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल में जाता थीटा बटे 360 होता है, तो आंख बंद करके कोई बच्चा इसमें आंसर मारेगा, लेकिन ये एकदम गलत है, एकदम गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आर का स्क्वायर है ही नहीं, और दूसरा यहाँ आगे में क्या है, टू है, तो पहला कितना खतरा था देख लें। अच्छा तो हम पाई आर स्क्वायर सबसे पहले मिलाएंगे, पाई आर स्क्वायर कहाँ, गप नहीं करेंगे, पाई आर स्क्वायर कहाँ पर, देखो पाई आर स्क्वायर एक तो यहाँ पर है और दूसरा यहाँ पर है, इसका मतलब ये ऑप्शन और ये ऑप्शन पहले खत्म हो गया, क्योंकि क्षेत्रफल में हमेशा पाई आर स्क्वायर, याद करो पढ़ाए थे जब क्षेत्रफल निकालना फल चाहिए, फल कहाँ मिलेगा लास्ट में, तो लास्ट में क्या है दो एक्स्ट्रा, तो वही फल है तुम्हारा। तो चलो चलो तो ये मिल गया, अगला हमको थीटा आठ चाहिए, थीटा भी मिल रहा है, अगला हमको 360 चाहिए लेकिन यहाँ 360 नहीं मिल रहा, तो लेकिन 360 के जगह पर यहाँ दो दिया है, यदि हम दो से इसको कटा देते हैं 360 नहीं होगा, तो देखो पी बटे 360 पी बटे 360 पाई आर स्क्वायर वही फॉर्म में आ रहा, इसका मतलब ये ऑप्शन नंबर सही। क्लियर है? उम्मीद करते हैं ये सभी बातें आपको समझ में आई होगी। तो ये हमारा चैप्टर जो है पूरा क्लियर हो गया, खत्म हो गया। यदि आपको और भी तरह का वीडियो चाहिए, और डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे लिंक दिए गए हैं, जाके आप सारे चैप्टर को स्टडी करिए। साथ ही साथ हमारे यहाँ अब जो है कंपटीशन के बहुत ही अच्छे टीचर हैं जो कंपटीशन का बैच ले रहे हैं, तो आप वहाँ भी जाके प्लेलिस्ट में वीडियो का जो प्लेलिस्ट बना हुआ, प्लेलिस्ट में जाके वीडियो देखिए और सभी दोस्तों को शेयर करिए, ताकि सभी इसका बेनिफिट उठा सके। यदि आपको हमारा वीडियो से कुछ समझ में आता है या फिर आप कुछ अच्छे कर पाते हैं, ये हमारे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। तो देखते रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक्स।